नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। अभी यहाँ पे दोस्तों मेरे पीछे ये जो आप एरिया देख रहे हैं टॉयलेट वाला एरिया है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इटालियन कलेक्शन का कंबाइंड कमोड इंस्टॉल हुआ है। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब क्लाइंट जो है फ्लश कर रहे हैं तो पानी जो है बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो ये जो फॉल्ट है दोस्तों क्यों आता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। दोस्तों अब चलिए मैं आपको यहाँ पे फॉल्ट को फाइंडिंग करना सिखाता हूँ। सबसे पहले फॉल्ट को फाइंडिंग करेंगे, उसके बाद फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये टॉयलेट वाला एरिया दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए इटालियन कलेक्शन वाला जो कमोड है वो इंस्टॉल है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्लश करके आपको दिखाता हूँ, प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है। क्लाइंट जो है बोले हैं कि फ्लश करने पे पानी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। ये देखिए यहाँ से इसको मैं फ्लश किया, और ये देखिए यहाँ पर ये इसका प्रेशर है, तो पानी दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फ्लश करने के बाद ही ऐसे ही मालूम होता है इसमें दोस्तों पानी कम आ रहा होगा, क्या दिक्कत है चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से कवर को हटाया मैं, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी फ्लश करने के बाद पानी खाली हो गया है, और यहाँ पे अभी पानी भी नहीं गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे दाग दिख रहा है। देखिए पानी यहाँ पे ख़राब है, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैक का दाग लगा हुआ है, यानी कि इससे जो है पता लगता है पानी जो है यहाँ तक भर रहा था पहले, लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल वाल है इसको मैं ऑन रखा हूँ और यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों इसको कैसे सही करेंगे, पानी जो है यहाँ पे अभी नहीं भर रहा है, क्या कमी है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे दोस्तों इसका लेबल मैं सेट करना आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है लेबल वाला ही प्रॉब्लम होगा, पानी कम भर रहा होगा इसलिए फ्लश करने पे कम पानी आया है। तो अभी सबसे पहले देखेंगे पानी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। कनेक्शन पाइप दोस्तों देखिए यहाँ से आया है, नीचे जो है कनेक्ट है, और ये जो दिख रहा है ना इसमें कनेक्शन पाइप कनेक्ट है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन पाइप खोलेंगे, इसको खोल के मैं बाहर कर लेता हूँ, और ये वाला भी खोल के साफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए ये इस तरह से घुमाना है आपको, राइट से लेफ्ट हैंड घुमाना है। ये देखिए देखिए यहाँ पे ये अलग हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा है। ये देखिए सब इसको अच्छी तरह से सफाई करना है। और यहाँ भी दोस्तों देखिए यहाँ पे इसके ऊपर स्केल आके जमा हुआ है, इसके ऊपर स्केलिंग है, इसको प्रॉपर साफ़ करेंगे, अगर नहीं साफ़ करेंगे इसके नीचे कचड़ा रह जाएगा। ये देखिए जैसे वाशर और टेप्लान वगैरह सब कुछ लगाया है पहले से प्लम्बर ने, तो पानी दोस्तों क्या होगा यहाँ पर जब स्केलिंग होगा तो पानी कंटिन्यू गिरता रहेगा, बिना फ्लश किए ही पानी यहाँ पर कंटिन्यू गिरेगा। ये सबको खोल के अच्छी तरह से साफ़ करना होगा सबसे पहले। ये देखिए इसको मैं खोल के बाहर कर लिया, फ्लश वाला जो पार्ट है उसको भी मैं खोल लिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ भी कचरा है, पूरा अच्छी तरह से सफाई करना होगा सबसे पहले। और ये वाला भी मैं खोल लिया, दोनों को बाहर निकाल लिया हूँ। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पानी ख़राब होने की वजह से, देखिए काला काला पूरा कचरा यहाँ पर जमा हुआ है। अब इसको मैं खोल लिया हूँ, और कनेक्शन पाइप बाहर में लगा के देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, पानी क्यों नहीं यहाँ पर ड्रेन हो रहा है। देखिए कनेक्शन पाइप को यहाँ पे कनेक्ट किया मैं, और ये देखिए इसको मैं खोल रहा हूँ, खोलने के बाद देखिए यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये रहता है, और जब पानी भरता हुआ ये ऊपर जाता है तो बंद हो जाता है, और जब ये फ्लश करने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसको ऑन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी नहीं गिर रहा है, बहुत हल्का हल्का टपक रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, इसके अंदर पूरा कचरा जो है सब जमा हुआ है, भरा पड़ा है, खोल के अच्छी तरह से साफ़ करना होगा। कैसे खोलते हैं सब कुछ मैं आपको बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कहाँ से पानी टपक रहा है यार। अब देखिए इसको मैं बाहर ले आया खोल के, और यहाँ पे दोस्तों जाली होता है कचड़े को रोकने के लिए, लेकिन अभी है नहीं, यहाँ पे कोई प्लम्बर निकाल दिया होगा। सब पार्ट को अलग करेंगे, लेबल यहाँ से सेट होता है, अभी मैं सेट करना आपको सिखाऊंगा। ये देखिए ये खोल लिया, उसके बाद इसको भी निकाल लेता हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से निकल गया, अब ये बाहर आ गया। देखिए घुमाया, लॉक पे होता है, यहाँ पे चारों तरफ लॉक है, 1 2 3 चारों तरफ लॉक होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रबड़ वाशर है, देखिए पूरी तरह से ब्लॉक है, सबको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर देखिए इसके अंदर एक होल होता है, ठीक है, उसी के ज़रिए पानी पास होता है। तो अभी सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया है, प्रॉपर साफ़ करेंगे।
देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी खराब होने की वजह से कितना ज़्यादा कचरा अभी यहाँ पे निकल रहा है। देखिए होल साफ हो रहा है, यहाँ पे होल इधर से दिख रहा है, अभी पूरा प्रॉपर साफ हो गया है। आज ये पहली बार खुला है इस तरह से, अलग अलग एक एक पार्ट पुर्जा पुर्जा सही होगा। हाँ अभी देखिए अभी होगा सही, अभी देखिए ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये ब्रश लेना है, ब्रश से पूरे कचड़े को अच्छी तरह से साफ करना है, एक एक पार्ट निकाल देना है। ये देखिए ये इसके इस लॉक को भी मैं निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें जो है रबर वाशर है ब्लैक कलर का, यही पानी को ऑन ऑफ करता है। इसमें नीडल के जितना होल होता है पतला सा पानी भरता हुआ जब ऊपर आता है तो ये इसको प्रेस करता है, दाब बनाता है और एयर मिलना बंद हो जाता है, और फ्लश करने के बाद जब पानी नीचे जाता है तो ये ऊपर उठता है और यहाँ से एयर मिलता है तो फिर से पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो सबको प्रॉपर अच्छी तरह से साफ करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से साफ किया जा रहा है, इसको प्रॉपर अच्छी तरह से साफ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों जो रबर वाशर होता है ना व्हाइट कलर वाला, जब हम फ्लश करते हैं ठीक है, तो वाशर यहाँ पे आके बैठता है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कचरा है, तो किसी भी प्रकार का वहाँ पे एक थोड़ा भी कचरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बिल्कुल पूरा ये क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। अगर कचरा होगा तो फिर पानी रिसाव करेगा हल्का हल्का। तो दोस्तों आप देखिए ये जो कमोड का ये टैंक है, ये देखिए पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ हो गया है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे दोस्तों जहाँ पे ये वाशर फिट होगा इसके ऊपर स्केलिंग था, उसको मैं प्रॉपर अच्छी तरह से साफ कर लिया। अभी यहाँ पे किसी भी तरह का कचरा नहीं है, देख सकते हैं आप, इसको मैं प्रॉपर अच्छी तरह से साफ कर दिया हूँ। ये देखिए उसके बाद इसका जो भी पार्ट है सब कुछ मैं अलग निकाल लिया हूँ, उसके बाद प्रॉपर इसको साफ कर दिया। ये देखिए यहाँ पे पूरा इसका पार्ट दिख रहा है, देखिए इसका पूरा पार्ट यहाँ पे है, सब मैं अलग कर दिया। इसको फिट करना मैं आपको सिखाता हूँ, और इसके अंदर भी दोस्तों ये लॉक दिया है फ्लश करने वाला, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें और कोई पार्ट नहीं है, मेन मेन पार्ट यहाँ पर निकल गया है, साफ़ सफाई इसका हो गया है। ये देखिए ये वाशर है, यही पानी को रोकता है, इसको भी प्रॉपर साफ़ कर लेना है, यहाँ पर किसी भी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये इतना पार्ट अलग है इसका, और ये सब एक पार्ट है, ये इसके साथ है ठीक है। फिट करना मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला जो रॉड है ये यहाँ पे इस तरह से लगेगा, देखिए अभी इस तरह से यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे इसका जो रबर वाशर है ये फिट होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए रबर वाला ये बेस है, बेस को यहाँ पे अंदर डालेंगे, यहाँ पे लॉक है देख सकते हैं, ये लॉक इस तरह से प्रेस होता है, अंदर जाके लॉक हो जाएगा अभी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लॉक कर दिया इसको मैं, अब यहाँ पे वाशर लगेगा ये वाइट वाला रबर वाशर, ये देखिए रबर वाशर भी मैं लगा लिया। अब देखिए अंदर इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो बटन है ये लगाएंगे, ये हाफ फ्लश वाला है और ये वाइट वाला फुल फ्लश वाला है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक लॉक दिया है, लॉक ही जो है जाके इसमें लॉक होता है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, सीधा डाल के उसके बाद इसको घुमा देना है, देखिए अब ये लॉक हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं इसको बटन को यहाँ पे लॉक कर लिया, ये देखिए अब यहाँ पे चार लॉक होता है, एक दो तीन चारों साइड, उसके बाद ये वाला इसके नीचे आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसके अंदर जाएगा, जगह दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, लॉक से लॉक को मिला लेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये पूरी तरह से फिट हो गया, ये जो बटन है पूरी तरह से यहाँ पे प्रॉपर लॉक कर दिया मैं, देख लेना आपको प्रॉपर फिट होना चाहिए नहीं तो लीक करेगा। अब देखिए फ्लश करके मैं दिखाता हूँ, हाफ फ्लश फुल फ्लश, देखिए सफाई अच्छी तरह से हो गया है और ये फंसना नहीं चाहिए, ये देखिए ये वाला पूरा सेट हो गया है। उसके बाद अब दोस्तों इस अब बारी है ये वाल्व लगाने की, ठीक है यही जो है ऑन ऑफ करता है और लेवल भी यहीं से सेट होगा। देखिए यहाँ पे इसके अंदर जाली होता है, जाली नहीं है, इसको मैं प्रॉपर साफ कर दिया, ये होल बंद था, अभी देखिए होल को मैं खोल दिया हूँ। यहाँ पे ये ब्लैक वाशर है, लीकेज को रोकता है ताकि जो है पानी लीक ना करे, मेन वाशर है ये, ये देखिए इसको यहाँ पर लगाया। अब देखिए ये जो रॉड है ना लंबा वाला, अब यहाँ पे ये छोटा वाला जो ब्लैक वाशर ये यहाँ पे इस तरह से रखना आपको, उसके बाद अब ये वाला ना यहाँ पे इस तरह से लगेगा, घुमा देंगे, देखिए लॉक पे आ गया, अब ये लॉक हो गया प्रॉपर।
अब यहाँ पे ये जो बाल है दोस्तों, ये कवर टाइप का बाल है, यही भी जो है पानी भरता है तो ऊपर आता है। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए यही इस तरह से ऊपर नीचे होता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये जेड क्लैंप है, यही जो है इसको अप डाउन करता है। पानी जब भरता हुआ जाएगा तो ये इसको ऊपर इस तरह से ढकेलेगा, ऊपर जाएगा, पानी फ्लश होगा, ये नीचे आएगा। अब ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे लगेगा इस तरह से, इसका लॉक भी लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं लगा लिया, अब ये यहाँ पे लॉक होगा। लेवल आपको सेट करना है, उसी हिसाब से इसको अप डाउन कर लेंगे नीचे ऊपर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो बाल है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लॉक कर दिया। लेवल दोस्तों कमोड में इसको फिट करने के बाद ही सेट करना पड़ेगा कि कितना पानी भरना है। लेवल यहीं से सेट होगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से घुमाएंगे, पानी जो है कम ज़्यादा होगा। चलिए अब इसको मैं वहाँ पे इंस्टॉल करना आपको सिखाता हूँ, सब कुछ रेडी है। अब देखिए इसको मैं प्रॉपर साफ कर लिया हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस वाल्व है इसको मैं यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद देखिए कनेक्शन पाइप दोस्तों जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, अब यहाँ पे ये इस तरह से लगाना है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, पावर कट होने की वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फ्लश का लेवल दोस्तों, ये कंबाइंड वाले कमोड में फ्लश का लेवल कैसे सेट करते हैं, इसका वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दूसरे वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं ये कंबाइंड कमोड में दोस्तों फ्लश का लेवल कैसे सेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। समझने में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। दोस्तों अभी बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नट आपके साथ।